हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये वीडियो मेरा बहुत दिनों बाद आ रहा है, तो मेरा बैंगन का भरता खाने का बहुत मन कर रहा था, तो घर में बैंगन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आज बैंगन का भरता बनाते हैं। तो बैंगन को अच्छी तरह से धोकर मैंने इसमें एक कट लगा लिया है, और अब इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, यानी सरसों का तेल। इसे अंदर भी डालूंगी और बाहर से भी इसे अच्छी तरह से लगा लूंगी। अब मैंने गैस जला ली है, उसके ऊपर मैंने एक नेट रखा है, जिसके ऊपर मैं बैगन को रखूंगी। तो ये मैंने बैगन रख दिया है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर मैं टमाटर भी रख दे रही हूँ। अच्छे से ये जब रोस्ट हो जाएगा तब इसे उतारना है। मैंने मिर्च भी रख दी है। मिर्च जैसा आप तीखा पसंद करते हैं खाना, उसी के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। तो देखिए, मेरा ये बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो चुका है, तो अब इसे मैं गैस से उतार लेती हूँ। ये देखिए, बैगन भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब बैगन के छिलके और टमाटर के छिलके मैं उतार ली थी। अब देखिए, बैगन को अच्छी तरह से मैं चेक कर ले रही हूँ। कभी-कभी क्या होता है ना, इसमें कीड़े भी निकल आते हैं, तो इसे अच्छे से चेक कर लीजिएगा। मैंने बॉयल आलू करके पहले से रखे हुए थे, तो अब इसमें बॉयल आलू को मैश करके मिला देंगे। ऐसे ही मैं सारे आलुओं को मैश करके इसमें मिला दूंगी, और टमाटर को भी इसमें मैश कर लेना है, मिक्स कर लेना है अच्छे से। कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है, अब इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तेल को थोड़ा ज़्यादा डाली हूँ, और इसमें एक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक काट रखा है, और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें कुटा हुआ लहसुन, भुनी हुई हरी मिर्च और चॉप किया हुआ अदरक, ये डालकर अच्छे से अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम 2 चुटकी हींग डालेंगे, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। और इसे अच्छे से हमने भून लिया है। अब इसमें मैश किया हुआ टमाटर, बैंगन और आलू को हम मिक्स कर लेंगे, और इसे भी हम भून लेंगे। अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेंगे, और ये लगभग हमारा पक चुका है। अब इसमें हम नमक डालेंगे, आधा ग्लास पानी, और इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। और ये लगभग तैयार हो गया है। अब इसमें हम हरा धनिया, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, हरे धनिए को। और ये हमारा बैंगन का भरता बनकर बिल्कुल तैयार है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है।